एक करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस की पत्नी शीला हांसदा उर्फ शीला मरांडी बीमार होने के बाद उन्हें रिम्स लाया गया है और इसी पेइंग वार्ड में उनको रखा गया है। अपने कैमरा पर्सन से कहीं दिखलाएंगे, ये जो A11 है यहीं पर लालू जी रहा करते थे, लालू जी लंबे दिनों तक यहाँ पर रहे थे और इसी पेइंग वार्ड के अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखलाएं कि किस तरह से सुरक्षा की जो चाक चौक चौबक व्यवस्था है उसमें यहाँ पे रखा गया है महिला विंग की जो पोलिट ब्यूरो सदस्य कही जाती हैं शीला मरांडी, उनको रखा गया है। डॉक्टर बी कुमार की टीम जो है वो इनको देख रही है, सुरक्षा के चाक चौबंद यहाँ पे व्यवस्था किया गया है, बड़ी संख्या में सशस्त्र पुलिस और जैप के जवान लगाए गए हैं। उपेंद्र कुमार, ईटीवी भारत, रांची। रिम्स के पेइंग वार्ड में शीला हांसदा के भर्ती होने के बाद सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, सशस्त्र पुलिस बल के जवानों की तैनाती की गई है, वहीं CCTV कैमरा से पूरे पेइंग वार्ड की निगरानी की जा रही है। वहीं रिम्स के PRO डॉक्टर डी के सिन्हा ने बताया कि एपिलेप्सी की शिकायत आने के बाद शीला हांसदा को रिम्स में भर्ती कराया गया था जहां मेडिसिन विभाग में उनका इलाज चल रहा है। रिम्स के PRO के अनुसार कई तरह की जांच शीला हांसदा का किया गया है और न्यूरोलॉजी के डॉक्टर को भी कॉल किया गया है ताकि वह भी मरीज को देख सकें। कितना फोर्स, किस तरह का फोर्स लोग जो साथ लेकर आए हैं अभी तक वही हैं, जेब से आए हुए वही अफसर फोर्स सब लगा हुआ है, हम लोग रिम्स से हैं, हम लोग भी सुरक्षा में लगे हुए हैं। शीला मरांडी जी जो बीमार थी उनको एपिलेप्टिक अटैक हुआ था, इसके लिए उनको यहाँ भर्ती कराया गया, वो मेडिसिन विभाग में भर्ती है, डॉक्टर बिंदे कुमार के देखरेख में उनका इलाज चल रहा है, वो अभी स्टेबल कंडीशन में है और वो पेइंग वार्ड में अभी भर्ती है। उनको हाँ उनके उनके बीमारी के बारे में पता लगाने के लिए बहुत सारा जांच हुआ है और जो रूटीन जांच होता है हम लोग का और जो डायग्नोसिस के लिए होता है वो जांच हुआ है और जांच का रिपोर्ट आएगा तो वो विभाग जो जिस विभाग में उनका इलाज चल रहा है वहां से पता चल जाएगा। सर तो ये जो अटैक बोले उसको आम भाषा में क्या कहा है? मिर्गी का अटैक बोलते हैं सर। तो अगर मिर्गी का अटैक आया तो फिर आपके यहाँ तो न्यूरोलॉजी का विंग भी है तो हाँ, तो उन लोग जैसे देखिए कोई भी इमरजेंसी में मेडिसिन विभाग में लोग भर्ती होते हैं जो ब्रॉड स्पेशलिटी है, फिर वहाँ पर उन लोग कॉल देते हैं, यहाँ न्यूरो फिजिशियन आकर के उनका उनको चेकअप करेंगे, उनको कॉल दिया गया होगा, उन चेकअप करके वो अपना ओपिनियन देते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं और आगे का इलाज उसी बेसिस पर चलता है।